अच्छा भाई देखिए भाई आगे सबक मतन देखिए भाई मतन। सुमल अजनासु कत तरत्तबु मुतसाइदतन इलल आली कल जौहरी वयुसम्मा जिनसल अजनासी वल अनवाउ मुतनाजिलतन इलस साफिली वयुसम्मा नौअल अनवाई वमा बैनहुमा मुतवस्सितातुन। गुज़श्ता सबक का खुलासा फिर सुन लीजिए। माकबल में नौ इजाफी की तारीफ आई थी, इन्होंने बतलाया था कि नौ इजाफी वो माहियत है कि उसके साथ किसी और माहियत को मिलाकर सवाल किया जाए तो जवाब में जिन्स वाक़े हो। इस पर एक एतराज जिक्र किया था शारह ने और उसका जवाब एतराज यह होता था कि आपकी ये तारीफ दुखूल गैर से मानिअ नहीं, क्योंकि आपकी इस तारीफ के अंदर जुजी हकीकी भी दाखिल हो जाती है और सिन्फ भी दाखिल हो जाती है। सिन्फ बाई स्वाद नून फा सिन्फ भी दाखिल हो जाती है। और सिन्फ किसे कहते हैं? मैंने आपको बतलाया था कि नौ जब मुकैद हो किसी आरस के साथ तो उसको सिन्फ कहते हैं। मसलन नौ जैसे इंसान है हैवान नातिक, तो इंसान इसको जब मुकैद कर दिया जाए एक आरज के साथ तो यह सिन्फ कहलाती है। जैसे इंसान हो और पाकिस्तान का रहने वाला हो तो यह कैद इसके साथ आपने बढ़ा दी, सिफत बढ़ा दी, तो अब यह सिन्फ बन गया। तो पाकिस्तानी ये क्या है? सिन्फ है। हिंदुस्तानी ये भी क्या है? सिन्फ है। तो जो भी नौ उसको मुकैद कर दिया जाए आरस के साथ वो सिन्फ कहलाती है। तो एतराज ये होता था कि आपकी ये तारीफ जो नौ इजाफी की आपने की ये दुखूल गैर से मानिअ नहीं, इसमें जुजी हकीकी भी दाखिल है और सिन्फ भी दाखिल है। जुजी हकीकी के साथ किसी माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में जिन्स आती है। मसलन जैद जुजी हकीकी है, इसके साथ एक माहियत को मिलाया कि जैदुन वल फारासु माहुमा, तो जवाब में क्या आया? जिन्स आ गई, हैवान भाई। तो देखा जुजी हकीकी के साथ एक और माहियत को मिलाया तो जवाब में जिन्स आ गई। मालूम हुआ जुजी हकीकी को भी क्या कहना पड़ेगा? नौए इजाफी। इसी तरह सिन्फ के साथ किसी माहियत को मिलाकर सवाल करें तो उस वक्त भी जवाब में जिन्स आएगी। जैसे अल पाकिस्तानी वल फारसु माहुमा, तो जवाब में क्या आएगा? हैवान। देखो जिन्स जवाब में आ गई। तो आपकी ये जो तारीफ है नौ इजाफी की, जुजी हकीकी भी इसमें दाखिल हो रही है और सिन्फ भी दाखिल हो रही है। तो उसका जवाब इन्होंने दिया था कि यहां जो माहियत जिक्र हुई कि वो माहियत जिसके साथ किसी और माहियत को मिलाकर सवाल किया जाए तो जवाब में क्या आए? जिन्स। तो इस माहियत से हर माहियत मुराद नहीं है, बल्कि वो माहियत मुराद है जो माहुआ के जवाब में आए। किसके जवाब में? माहुआ के जवाब में आए। और माहुआ के जवाब में तो तीन ही चीजें आती हैं, जिन्स नौ और हद ताम। जिन्स नौ और हद ताम, और ये सब कुल्लियां हैं और सब जाती हैं भाई। क्या हैं? जात में दाखिल हैं, जात का जुज हैं या ऐन जात हैं। तो मालूम हुआ कि यहां माहियत जो बोली गई उस माहियत से मुराद कुल्ली जाती है, कुल्ली जाती। लिहाजा जब ये कुल्ली है तो इससे जुजी निकल गई, जुजी इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। और जब ये जाती है तो इससे सिन्फ भी निकल गई, क्योंकि सिन्फ जो है वो जाती नहीं होती बल्कि आरजी होती है। क्योंकि मैंने आपको बतलाया था कि जब जाती आरज के साथ मुरक्कब हो जाए तो फिर वो आरज है भाई। वो क्या है? जाती जब आरज से मुरक्कब हो जाए तो वो आरज कहलाती है। जैसे इंसान, ये क्या है? जाती है, लेकिन इसके साथ आरज यानी पाकिस्तानी को मिलाया तो एक आरज बन गई। यहां एक और कीमती बात याद रखना भाई, कुल्ली के जो अफराद होते हैं, कुल्ली की जो जुजियात होती हैं, उनमें अगर जात के एतबार से फर्क हो तो उनको अनवा कहते हैं, और अगर उनमें आरज यानी सिफत के एतबार से फर्क हो तो उनको असनाफ कहते हैं। सिन्फ की जमा है असनाफ। तवज्जो है। कुल्ली के नीचे जो जुजियात होती हैं, जो अफराद होते हैं, अगर उनमें फर्क जो है वो जात के एतबार से है, एक की जात दूसरे से अलग है, उनकी हकीकतें अलग हैं, तो उनको अनवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवा। जैसे हैवान के तहत इंसान भी है, फरस भी है, हिमार भी है, बकर भी है वगैरह। तो जब
कुल्ली की जुजियात में फर्क किस एतबार से हो, जात के एतबार से हो, तो उनको क्या कहते हैं? अनवाअ। और अगर उनमें फर्क जो है वो सिर्फ अरस के एतबार से हो तो फिर उनको असनाफ कहते हैं। तो देखो, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, अफगानी वगैरह, देखो इनमें फर्क जो है वो किस एतबार से है? सिर्फ अरस के एतबार से फर्क है, जात के एतबार से फर्क नहीं। पाकिस्तानी जो है इंसान, वो भी क्या है? हैवान नातिक। हिंदुस्तानी है, वो भी क्या है? हैवान नातिक। अफगानी है, वो भी क्या है? हैवान नातिक। तो देखो जातियात में कोई फर्क नहीं, सिर्फ सिफत में फर्क है। तो इनको क्या कहते हैं? असनाफ। के कुल्ली के अफराद में फर्क अगर किस एतबार से हो? जात के एतबार से हो तो फिर इनको अनवा कहते हैं। और अगर इनमें फर्क सिर्फ अरस के एतबार से हो तो इनको असनाफ कहते हैं। नौ इजाफी की जो तारीफ इन्होंने की कि नौ इजाफी उस माहियत को कहेंगे कि उसके साथ किसी और माहियत को मिलाकर सवाल किया जाए तो जवाब में क्या आए? जिंस। मालूम हुआ नौ इजाफी हमेशा वो ही चीज बनेगी जिसके ऊपर कोई जिंस हो, तभी जिंस जवाब में आएगी ना, वैसे तो जिंस जवाब में नहीं आ सकती। तो लिहाजा नौ इजाफी हमेशा वो चीज बनेगी जिसके ऊपर क्या हो? जिंस हो भाई, जिंस हो। और वो दो चीजें हैं सिर्फ, एक है नौ और एक है जिंस खुद भाई। नौ के ऊपर क्या आती है? जिंस। जैसे इंसान के ऊपर हैवान क्या है? जिंस। इसी तरह जिंस के ऊपर भी जिंस आती है। हैवान जिंस है लेकिन इसके ऊपर जिंस क्या है? जिसमें नामी। उसके ऊपर जिंस क्या है? जिसमें मुतलक है। और उससे ऊपर जिंस क्या है? जौहर है भाई। तो लिहाजा नौ इजाफी सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं, ऐसी नौ हकीकी जिसके ऊपर क्या हो? कोई जिंस हो, और ऐसी जिंस जिसके ऊपर कोई जिंस हो। लिहाजा जौहर उसको नौ इजाफी नहीं कह सकते क्योंकि जौहर उसके ऊपर कोई जिंस नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने इनमें निस्बत बयान की थी कि इन दोनों में निस्बत जो है वह उमूम खसूस मिन वजह की है। उमूम खसूस मिन वजह की निस्बत के दो चीजों के इज्तिमा को भी अकल जायज समझे और दोनों के अलग अलग होने को भी जायज समझे, दोनों एक दूसरे के बगैर पाई जाएं तो और इकट्ठी भी हो सकें, तो यह है उमूम खसूस मिन वजह। और यहां ये दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, एक चीज नौ हकीकी भी हो और नौ इजाफी भी हो। जैसे इंसान, यह नौ हकीकी भी है क्योंकि हुवल मकूल अला कसीरीना मुत्तफिकीना बिल हकायक फी जवाबी मा हुआ, इसके अफराद की हकीकतें एक हैं, तो यह जुजी हकीकी भी है। और यह नौ इजाफी भी है कि इसके साथ किसी और माहियत को मिलाकर सवाल करें तो जवाब में जिंस आएगी। और हैवान वो नौ इजाफी तो है लेकिन नौ हकीकी नहीं, तो नौ इजाफी बगैर नौ हकीकी के पाई गई क्योंकि हैवान वो नौ हकीकी नहीं, उसके अफराद की हकीकत एक नहीं बल्कि अफराद की हकीकतें अलग अलग हैं भाई। और नुक्ता जो है वो नौ हकीकी तो है लेकिन नौ इजाफी नहीं, तो नौ हकीकी बगैर नौ इजाफी के पाई गई क्योंकि नुक्ता वो नौ बसीत है भाई। नौ बसीत, नुक्ता किसे कहते हैं? खत की तरफ को। और खत किसे कहते हैं? सतह की तरफ को। और सतह किसे कहते हैं? जिस्म की तरफ को। और जिस्म से क्या मुराद है? जिसमें तालीमी, और जिसमें तालीमी भी आरज, और जो सतह है वो भी आरज, और खत जो है वो भी आरज, और नुक्ता भी आरज है। तो नुक्ता जो है ये नौए बसीत है, इसका कोई जूस नहीं। जब जूस नहीं तो इसके ऊपर जिंस भी नहीं, इसके ऊपर क्योंकि जिंस उसी चीज के ऊपर होगी जो जिंस और फसल से मिलकर मुरक्कब हो। तो जब इसका जुज कोई नहीं तो मालूम हुआ इसके ऊपर कोई जिंस भी नहीं है। जब इसके ऊपर कोई जिंस नहीं तो मालूम हुआ ये नौ इजाफी नहीं है क्योंकि नौ इजाफी के जवाब में तो हमेशा क्या आती है? जिंस। जब इसके ऊपर जिंस ही नहीं है तो जिंस कहां से जवाब में आएगी? तो इन्होंने नुक्ते को जिक्र किया था नौए बसीत की मिसाल के तौर पर, यानी ऐसी नौए हकीकी जिसके ऊपर कोई जिंस ना हो गई। और फिर यहां इन्होंने कहा था वफी ही मुनाकशतुन, यहां क्या है? एतराज है। मैंने बताया था मुनाकशा हल्का फुल्का एतराज जो जरा गौर व फिक्र से खत्म हो जाए, उसको क्या कहते हैं? मुनाकशा। यानी यहां एतराज होता है। क्या एतराज होता है? शारहीन फरमाते हैं आगे दो सत्रों के बाद जो एतराज है यही मुराद है। शारहीन कहते हैं यही एतराज मुराद है। लेकिन मैंने बताया था यहां तीन तरह एतराज हो सकते हैं।
एक एतराज की सूरत यह है कि कोई मोतरिज कहे आपने जो नुकता की मिसाल जिक्र की है यह मिसाल दुरुस्त नहीं, क्योंकि हमें नुकता ही तस्लीम नहीं, नुकता कोई चीज है हमें यह तस्लीम ही नहीं है, जैसे मुतकल्लिमीन है वो नुकते को तस्लीम ही नहीं करते। या ये एतराज हो सकता है कि आपने नुक्ते को नौए हकीकी करार दिया, हमें इसका नौए हकीकी होना तस्लीम नहीं, इसलिए क्योंकि नौए हकीकी तो ये तब होगी, नौए हकीकी किसे कहते हैं जिसके अफराद की हकीकतें एक जैसी हों, और हो सकता है इसके अफराद की हकीकतें एक जैसी ना हो बल्कि अलग अलग हों। नौए हकीकी किसे कहते थे, हुवल मकूल अला कसीरीना मुत्तफिकीन बिल हकायक फी जवाबी मा हुआ, तो नौए हकीकी तो इसको तभी करार दिया जा सकता है जब नुक्ते के तमाम अफराद की हकीकतें एक हों, तो हो सकता है इसके अफराद की हकीकतें एक ना हो बल्कि अलग अलग हों, मुख्तलिफ हों, तो हमें इसका नौए हकीकी होना तस्लीम नहीं। या तीसरा एतराज यह हो सकता है कि आपने कहा कि नुक्ता नौए इजाफी नहीं है, हमें इसका नौए इजाफी ना होना तस्लीम नहीं, खारिज में इसका कोई जूस ना हो फिर भी यह क्या है, नौए इजाफी हो सकती है कि इसके लिए जिंस और फसल हो। मैंने यहां आपको बतलाया था कि यह जो नुक्ता है, खत है और सता, फलासफा इनका इस बात करते हैं लेकिन मुतकल्लिमीन जो है वो इनका इनकार करते हैं। मुतकल्लिमीन मैंने बताया वो उलमाए इस्लाम जो इल्मे कलाम के माहिर थे और ये फलसफे की भी बहुत बड़े माहिर थे भाई, तो ये नुक्ता, खत और सता का इनकार करते हैं कि ये कोई चीज नहीं है। और फिर यहीं पर मैंने मुतकद्दिमीन और मुताखिरीन मनातिका का इख्तिलाफ भी जिक्र किया था। मुतकद्दिमीन मनातिका जो है वो कहते हैं कि ये जो नौए हकीकी और ये जो नौए इजाफी हैं इनके दरमियान उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, वो नौए बसीत को मानते ही नहीं कि नौए बसीत कोई चीज ही नहीं है। जब नौए बसीत कोई चीज नहीं तो मालूम हुआ कि जो भी नौए हकीकी होगी वो क्या होगी, नौए इजाफी। नौए बसीत होती तो सिर्फ नौए हकीकी होती और नौए इजाफी न होती। जब नौए बसीत ही कोई नहीं तो मालूम हुआ जो भी नौए हकीकी होगी वो हमेशा क्या होगी, नौए इजाफी होगी। लेकिन जो भी नौए इजाफी हो उसका नौए हकीकी होना जरूरी नहीं है। जैसे हैवान जो जिसमें नामी के तहत है तो हैवान नौए इजाफी तो है लेकिन नौए हकीकी नहीं, क्योंकि ये तो जिन्स है भाई, इसके अफराद की हकीकतें तो अलग अलग हैं भाई। तो मुतकद्दिमीन कहते हैं इन दोनों में जो निस्बत है वो नौए हकीकी और नौए इजाफी में वो उमूम व खुसूस मुतलक की है, जबकि मुताखिरीन जो हैं वो नौए बसीत को तस्लीम करते हैं, तो वो कहते हैं इनमें जो निस्बत है वो उमूम व खुसूस मिन वजह की है। तो बहरहाल सारा इख्तिलाफ इस बात पर है कि मुतकद्दिमीन नौए बसीत को तस्लीम नहीं करते और मुताखिरीन नौए बसीत को तस्लीम करते हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने फी नजर कहकर एतराज की तकरीर की थी कि आपने क्या कहा कि नुक्ता जो है न लंबाई में तकसीम को कबूल करता है न चौड़ाई में और ना गहराई में, लिहाजा नुक्ते का कोई जुज नहीं, और जब नुक्ते का कोई जुज नहीं तो इसके लिए कोई जिंस भी नहीं, क्योंकि जिस चीज के लिए भी जिंस होती है, जिस चीज के लिए भी तो जिंस के तहत जो अफराद होंगे उनकी हकीकतें अलग अलग होंगी, तो उनके लिए फसल भी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा ताकि एक दूसरे से जुदा हो जाएं। तो जींस के नीचे जो भी अफराद होते हैं वो जींस और फसल से मुरक्कब होते हैं क्योंकि इनकी हकीकतें अलग अलग हैं, तो उनके जींस तो यही है और हकीकतें अलग, तो फसल चाहिए हर नौ दूसरी नौ से क्या हो जाए, जुदा हो जाए। तो जो भी चीजें जींस के तहत होंगी वो जींस और फसल से मुरक्कब होंगी। तो आपने हमें क्या कहा कि नुक्ते का कोई जुज नहीं, जब जुज नहीं तो इसके लिए जिंस नहीं, तो कहते हैं ये तो इससे आपकी बात से ज्यादा यह साबित होता है कि खारिज में नुक्ते का कोई जुज नहीं, ना वो लंबाई में तकसीम को कबूल करता है ना गहराई में और ना चौड़ाई में, तो इससे ज्यादा से ज्यादा यह साबित हुआ कि खारिज में उसका कोई जुज नहीं है, वो बसीत है। लेकिन इससे जुजे अकली और जुजे जहनी की नफी तो नहीं होती, जुजे जहनी या जुजे अकली और चीज है और जुजे खारिजी और चीज है। देखो मैंने मिसाल जिक्र की थी, चाय जो है वो दूध चीनी और पत्ती से मिलाकर आप बनाते हैं, तो ये दूध चीनी और पत्ती चाय के अज्जा हैं और अज्जाए खारिजी हैं,
अज्जाए अज्जाए खारिजी वो होते हैं जो खारिज में अलहदा से पाए जाते हैं। देखो दूध अलग, चीनी अलग और पत्ती अलग पाई जाती है, तो अज्जाए खारिजी क्या होते हैं? जो खारिज में उस कुल से, उस कुल से, उस चाय से अलग भी पाए जाते हैं। तवज्जो है, तो अज्जाए खारिजी वो हैं जो खारिज में कुल से अलग पाए जाते हैं और कुल पर इनका हमल सही नहीं होता। जैसे चाय दूध है ये कहना दुरुस्त नहीं, चाय चीनी है ये कहना दुरुस्त नहीं, इसी तरह चाय पत्ती है ये कहना भी दुरुस्त नहीं। तो अज्जाए खारिजी किसे कहते हैं? जो खारिज में कुल के अलावा पाए जाते हैं और कुल पर इनका हमल सही नहीं होता, कि कुल को मुब्तदा बनाएं और इनको खबर बना दें तो बात दुरुस्त नहीं रहती। जबकि जिन्स और फसल वो अज्जाए जहनी है, अज्जाए अकली हैं, और अज्जाए अकली किसे कहते हैं? वो अज्जाए अकली वो हैं जो अकल में पाए जाएं और वो एक माहियत के अंदर दाखिल होते हैं। क्या होते हैं? दाखिल। जब दाखिल होंगे तभी उसका जुज बनेंगे ना, अगर दाखिल ही नहीं है तो जुज कैसे बनेंगे? तो वो अकल में सिर्फ पाए जाते हैं और माहियत के अंदर दाखिल होते हैं और ये माहियत से अलहदा नहीं होते भाई, माहियत से अलहदा। जैसे इंसान की हकीकत क्या? हैवान नातिक। सिर्फ हैवान अलग हो जाए इंसान से या सिर्फ नातिक अलग हो जाए, एक चीज सिर्फ नातिक हो और हैवान ना हो, ये नहीं हो सकता भाई। तो वो अकल के अंदर भी नातिक इंसान से अलहदा नहीं होता, ये हैवान इंसान से अलहदा नहीं होता। हैवान तो अलहदा हो जाएगा क्योंकि हैवानात और भी हैं, लेकिन वहां भी कोई ना कोई फसल साथ जरूर जुड़ेगी। घोड़ा हो तो कहेंगे हैवानुन साहिलुन, गधा हो तो कहेंगे हैवानुन नाहिकुन, तो वहां फसल साथ जरूर मिलेगी। अकेला हैवान अलग हो जाए ये वाला जूस ऐसा नहीं हो सकता, अलग हो ही नहीं सकता। इसी तरह नातिक भी है वो अलग नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? तो अज्जाए ज़हनी किसको कहते हैं? अज्जाए जहनी वो है, अज्जाए अकली वो है जो अकल में होते हैं और एक माहियत के अंदर दाखिल होते हैं और माहियत से अलहदा नहीं होते और माहियत पर इनका हमल भी सही होता है। चुनांचे इंसान का एक जुज हैवान है, फिर भी हम कह सकते हैं अल इंसान हैवानुन, जो कुल है इंसान उसको हमने मुब्तदा बनाया और जो जुज था हैवान उसको हमने उसकी खबर बना दिया। अल इंसानो हैवानुन कहना सही। इसी तरह दूसरा जुज है उसका हमल भी सही है, अल इंसानो नातिकुन, जबकि चाय दूध है ये कहना सही नहीं था, लेकिन अल इंसानो नातिकुन कहना सही है। तो मालूम हुआ जुजे खारिजी और चीज है, जुजे जहनी और चीज है। तो आपने जो नुक्ते की तारीफ की उससे सिर्फ इतना पता चला कि इसके अज्जाए खारिजी नहीं है, तो इससे यह लाजिम नहीं कि इसके अज्जाए अकली भी ना हो, क्योंकि अज्जाए अकली और चीज है। अज्जाए खारिजी ना हो और अज्जाए अकली हो यह हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो उसका जवाब जिक्र किया था मैंने कि आपका यह कहना कि अज्जाए खारिजी और अज्जाए अकली दोनों अलग अलग हैं यह दुरुस्त नहीं। अज्जाए अकली और अज्जाए जहनी एक ही चीज है, इनमें फर्क सिर्फ एतबारी है, इनमें फर्क सिर्फ एतबारी है, जो मोतबिर के एतबार पर मौकूफ है उसका एतबार करेंगे तो वह फर्क है, अगर वह एतबार नहीं करेंगे तो दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है। और फिर मैंने आपको यह भी बतलाया था कि चीजों में तीन तरह के एतबार होते हैं, कभी एतबार होता है बिशर्ती शय के साथ और कभी एतबार होता है बिशर्ती ला शय के साथ और कभी एतबार होता है ला बिशर्ती शय के साथ। बिशर्ती शय इन तर्जम में भी गौर कर लें कि किसी चीज की शर्त लगाना, कोई चीज शर्त हो एक चीज के लिए जरूरी हो, और एक है बिशर्ती ला शय, यानी उसमें ला शय की शर्त होती है कि आदम शय की उसमें शर्त होती है, और ला बिशर्ती शय यानी शर्त शय की पर पूरे पर ला दाखिल कर दिया, यानी शर्त शय नहीं होती, न होने की शर्त होती है और ना न होने की। मैंने जैसे मिसाल जिक्र की थी, आप अपने एक साथी से कहते हैं कि आप मेरी दावत करें, तो वो कहता है मैं दावत करूंगा लेकिन उसमें चाय नहीं होगी, उसमें या यूं कहें उस मैं दावत करूंगा और उसमें चाय होगी, चाय होगी। तो देखो चाय को उसने दावत में लाजिम कर दिया, तो यह दावत किस चीज के साथ है?
चाय की शर्त के साथ है, आई भी शर्ती शय है। या वो कहता है मैं दावत करूंगा लेकिन उसमें चाय नहीं होगी। देखो चाय के न होने को शर्त करार दे दिया, उसके लिए लाजमी करार दे दिया, तो ये दावत कैसी है? बिशर्ती लाशय है। और कभी वो सिर्फ मुतलकन कह देते, आपने उसे कहा मेरी दावत करें, उसने कहा मैं आपकी दावत करूंगा, न उसने चाय के होने को जिक्र किया और ना न होने को जिक्र किया, तो यह है ला बिशर्ती शय, यानी इसमें किसी चीज की शर्त नहीं है, न किसी चीज के होने की और ना न होने की। तो ये जो खारिज में चीजें हैं, याद रखो जितनी मादी चीजें हैं, उलमा फरमाते हैं कि ये मुरक्कब हैं मादे से और सूरत से, किससे? मादे से और सूरत से। और इस मादे को हयूला कहते हैं भाई, मादा जिससे अल्लाह ने इस आलम की जो मादी चीजें हैं उनको अल्लाह ने इससे पैदा फरमाया। तो हर चीज का मटेरियल जो है, मादा जो है, उसका नाम हयूला है। क्या नाम है? हयूला। और इसकी कोई खास शक्लो सूरत नहीं, यह हर तरह की शक्लें कबूल कर लेता है, जिस शक्ल में भी इसको ढालना चाहें यह ढल जाता है, और नीज यह हर तरह की सिफात को भी कबूल कर लेता है। तो इस मादे को हयूला कहते हैं। और इसी तरह हर मादे के लिए कोई सूरत चाहिए भाई, हयूला मोहताज है सूरत का, मादे के लिए हमेशा कोई ना कोई सूरत होगी, बगैर सूरत के मादा हो सकता है? हो ही नहीं सकता भाई। आप कोई भी चीज लाकर डालें उसकी कोई ना कोई शक्ल होगी या नहीं? कोई ढेर बन गया या टेढ़ा मेढ़ा फैल गया, कोई ना कोई शक्ल तो उसकी बन गई कि नहीं बन गई? तो मादा बगैर सूरत के हो ही नहीं सकता, तो मादा मोहताज हुआ किसका? सूरत का भाई, सूरत का भाई। और यह सूरत जिस्मिया है। क्या है? सूरत जिस्मिया है। तो ये मादा जो है ये मोहताज है सूरत जिस्मिया का, और सूरत जिस्मिया मोहताज है मादे की, बगैर मादे के सूरत नहीं हो सकती भाई। बात समझ में आ रही है? तो मादा मोहताज हुआ किसका? सूरत जिस्मिया का, और सूरत जिस्मिया मोहताज हुई मादे की। मादा भी जौहर है और ये सूरत जिस्मिया भी जौहर, ये याद रखना, ये मादा भी जौहर है और सूरत जिस्मिया भी जौहर है, और इसकी वजह से मादे की सूरत होगी। और फिर एक सूरत नौइया है भाई, जिसकी वजह से ये अलग अलग अनवा को हम एक दूसरे से पहचानते हैं। मादा तो सबका एक है, लेकिन इस फर्क की वजह से हम जानते हैं कि ये चीज किताब है, ये इंसान है, ये फरस है, ये खिमार है, ये बकर है, ये पहाड़ है, ये पानी है वगैरह, ये सब चीजों को हम जानते हैं। तो उसको वो सूरत नौइया है। क्या है? सूरत नौइया, सूरत नौइया। तो यूं कहें कि हर चीज गोया मुरक्कब है इन तीन चीजों से, और ये तीनों जौहर हैं। ये मादा यानी हयूला भी क्या है? जौहर। सूरत जिस्मिया भी क्या है? जौहर है। और ये जो सूरत नौइया ये भी क्या है? जौहर है। तो गोया हर चीज के तीन जुज हैं। कितने जुज हैं? तीन जुज हैं। ये यूं कह लें आसानी के लिए, दो कह लें भाई, क्योंकि एक सूरत जिस्मिया है एक सूरत नौइया। तो यूं कहें हर चीज वो उसके उसके दो अज्जा हैं, एक मादा है और एक सूरत है। सूरत में सूरत जिस्मिया भी आ गई और सूरत नौइया भी आ गई। तो हर चीज मोहताज है, हर चीज के दो अज्जा हैं, एक सूरत है उसकी और एक उसका मादा है। तवज्जो है? सूरत और मादा। तो ये सूरत और मादा जो है अज्जाए खारिजी हैं, हर चीज इनसे मुरक्कब है। तो उलमा मंतिक फरमाते हैं कि यही मादा और सूरत बई एतबार कि ये खारिज में इनकी वजह से चीज का वजूद है, इनको क्या कहते हैं? अज्जाए खारिजी। तवज्जो है? यही मादा और यही सूरत बाई लिहाज बाई एतबार कि इनकी वजह से खारिज में चीज का वजूद है। ये मादा और सूरत होगी तो ये चीज है, ये मादा और सूरत नहीं तो वो चीज भी नहीं, तो इनको क्या कहते हैं? अज्जाए खारिजी। तो ये जो मादा और सूरत हैं ये ही बाई एतबार कि इनकी वजह से एक चीज का खारिज में वजूद है, इनको अज्जाए खारिजी कहते हैं। और जहन में जो चीज के अज्जा हैं वो है जिन्स और फसल, वो भी इन्हीं यही मादा और सूरत इन्हीं को जिन्स और
फसल कहते हैं कतए नजर इसके कि इससे इन चीज का वजूद है या वजूद नहीं। तो यही मादा और सूरत बाई लिहाज कि इनसे चीज का वजूद है इनको अज्जाए खारजी कहते हैं। देखो बाई लिहाज कि इससे इन चीजों का वजूद है तो यह है बिशर्ती शय, बिशर्ती बाई शर्त कि इनकी वजह से क्या है चीजों का वजूद। ये अज्जा हैं तो चीज है, ये अज्जा नहीं तो चीज भी नहीं। तो यही मादा और सूरत बिशर्ती शय के एतबार से ये क्या है अज्जाए खारजी। तवज्जो है, बात हो रही अज्जाए खारजी की और अज्जाए जहनी की। साबित यह करना है कि वो जो अज्जाए खारजी हैं बेआईन ही वही क्या है अज्जाए जहनी है, सिर्फ एतबार का फर्क है। खारिज में यही अज्जा अज्जाए खारजी कहलाते हैं बिशर्ती शय, शय की शर्त के साथ। क्या शर्त है कि इनकी वजह से इस चीज का वजूद है, ये होंगे तो ये चीज है, ये नहीं तो ये चीज भी नहीं। तो देखा तो बिशर्तिश है, यही मादा और सूरत जो है ये इसकी वजह से किसी चीज का वजूद है तो ये मादा और सूरत बिशर्तिश है के दर्जे में हो तो ये अज्जाए खारिजी हैं, ये अज्जाए खारिजी। और यही मादा और सूरत ला बिशर्तिश है हो तो फिर ये अज्जाए जहनी हैं, अज्जाए अकली हैं, यानी जिन्स और फसल हैं, जिन्स और फसल हैं। देखो जिन्स की क्या तारीफ की, हुवल मकूलु अला कसीरीना मुख्तलिफीना बिल हकायकी फी जवाबी मा हुआ। क्या इसके अंदर यह जिक्र किया कि जिन्स होगी तो चीज का वजूद है, जिन्स नहीं तो चीज का वजूद नहीं। देखो इसमें होने ना होने की कोई शर्त नहीं। इसी तरह फसल जो है, फसल वो है जो मुशारिकात से एक चीज को जुदा कर दे, क्या कर दे, जैसे नातिक क्या है बाकी हैवानात से इंसान को जुदा कर देता है। तो इसमें देखो कोई उस चीज के होने या ना होने की शर्त है कि नातिक होगा तो इंसान का वजूद होगा, नातिक नहीं होगा तो इंसान का वजूद नहीं होगा। तो ये जो जिन्स और फसल हैं ये वही मादा और सूरत हैं लेकिन ला बिशर्तिश है, इसमें उस चीज के होने या ना होने की कोई शर्त नहीं है। फर्क समझ में आया? तो यही मादा बिशर्ती शय हो तो जुजे खारजी और यही मादा ला बिशर्ती शय हो तो जिन्स है यानी जुजे अकली है। और सूरत यही सूरत बिशर्ती शय हो कि इसकी वजह से चीज का वजूद है तो ये जुजे खारजी और यही सूरत ला बिशर्ती शय हो तो ये जुजे जहनी है, जुजे अकली है। फर्क समझ में आ गया? तो मालूम हुआ कि अज्जाए खारजी और अज्जाए जहनी दोनों एक ही चीज हैं, फर्क सिर्फ एतबारी है। एक बिशर्ती शय है तो दूसरा लाबिशर्ती शय है, चीज वो ही है। जैसे मैंने मिसाल जिक्र की थी कि दो तलबा से आपने तेपाई की लंबाई पूछी तो एक ने कहा दाएं तरफ से नापे तो ये कितने फुट है, 5 फुट है। दूसरे से पूछा तो उसने कहा बाएं तरफ से नापे तो ये कितनी है, 5 फुट है। तो एक ने एक तरफ से लंबाई का एतबार किया, दूसरे ने दूसरी तरफ से लंबाई का एतबार किया, लेकिन चीज एक ही है, लंबाई 5 ही फुट है, चाहे दाएं तरफ से नापें चाहे बाएं तरफ से नापें। तो अज्जाए खारिजी और अज्जाए जहनी एक ही चीज है, फर्क सिर्फ इनमें एतबारी है। जब यह बात साबित हो गई कि अज्जाए खारिजी और अज्जाए जहनी एक ही चीज है तो इससे वो जो आपने एतराज किया था वो भी खत्म हो गया। आपने तो क्या कहा था कि अज्जाए खारिजी और चीज हैं, अज्जाए जहनी और चीज हैं। आपकी तकरीर से कि आपने कहा नुक्ते के लिए लंबाई भी नहीं, चौड़ाई भी नहीं और गहराई भी नहीं, इससे तो अज्जाए खारिजी की नफी हुई थी, अज्जाए जहनी की नफी इससे नहीं होती। लेकिन अब हमारी तकरीर से वाजह हो गया कि जब अज्जाए खारिजी की नफी हो गई तो अज्जाए जहनी की भी नफी हो गई, क्योंकि अज्जाए जहनी वही चीज है, फर्क सिर्फ किस चीज का है, एतबार का फर्क है। तो जब खारिज में अज्जा नहीं तो जहन में भी अज्जा नहीं है। तो बहरहाल यह एतराज बड़ा कमजोर सा एतराज था, क्योंकि एतराज सिर्फ मिसाल पर था कि आपने ये जो मिसाल जिक्र की नौए बसीत की नुक्ता, ये मिसाल हमें तस्लीम नहीं, इसका नौए इजाफी ना होना हमें तस्लीम नहीं, हो सकता है ये क्या हो, नौए इजाफी हो। तो एतराज इस मिसाल पर था लेकिन कमजोर सा एतराज था, इसलिए क्योंकि मिसाल के बातिल होने से दावे का बातिल होना लाजिम नहीं है। मिसाल कोई और भी चीज जिक्र की जा सकती है, अगर एक मिसाल गलत हो गई तो कोई हर्ज नहीं, दूसरी चीज को भी मिसाल में जिक्र किया जा सकता है। जैसे वाजिबुल वजूद है,
वाजिबुल वजूद की जात नौए बसीत है, नौए नौए बसीत है। इस वाजिबुल वजूद के ऊपर कोई ऐसी माहियत कुल्लिया मौजूद नहीं जिसके तहत ये दाखिल हो। बात समझ में आ रही? तो नौए इजाफी में क्या जरूरी था, उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, जेंस होनी चाहिए। तो वाजिबुल वजूद के ऊपर कोई ऐसी माहियत कुलिया मौजूद ही नहीं जिसके तहत ये दाखिल हो, जो इसके लिए जेंस बने। तो देखो नौए हकीकी पाई गई और बगैर नौए इजाफी के। या दूसरी मिसाल वहदत को जिक्र किया जा सकता है। किसको? वहदत। वहदत का माना है एक होना, वाहिद होना, वाहिद होना। वाहिद होना देखो कभी हकीकतन वाहिद होना है और कभी मजाजन वाहिद होना, वाहिद होना होगा। हकीकतन वाहिद है जैसे अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह ताला की जात वाहिद है हकीकतन भाई। और कभी वाहिद होना मजाजन होता है जैसे नौ, जैसे नौ हम कहते हैं ये एक नौ है, या जैसे एक जिंस हो तो हम कहते हैं ये एक जिंस है। तो देखो जिंस के अंदर भी वहदत आ गई और सिर्फ एक नौ हो उसमें भी क्या आ गई, वहदत। लेकिन ये वहदत मजाजन है, हकीकत में नहीं, एक एतबार से ये एक हैं, वरना तो हर एक के अफराद कसीर हैं। नौ के अफराद भी क्या होते हैं, कसीर होते हैं। जिंस के अफराद भी क्या होते हैं, कसीर होते हैं। तो अफराद तो बेशक ज्यादा, लेकिन है तो जिंस तो एक ही है या नौ तो एक ही है। तो यहां भी वहदत है, एक नौ हो उसमें भी वहदत है, एक जिंस हो उसमें भी वहदत है, लेकिन हकीकतन वहदत नहीं है, हकीकत में वो वाहिद नहीं है बल्कि उनके अफराद क्या हैं, कसीर हैं। हां सिर्फ इस एतबार से इनको एक कहा कि नौ एक है सबकी या जिंस एक है सबकी। तो वहदत जो है वो कभी हकीकतन होती है और कभी मजाजन। तो जो हकीकतन वहदत हो, वाहिद हकीकी, तो जो हकीकतन वहदत हो जैसे अल्लाह ताला की जात में क्या है, हकीकतन वहदत है, वहां कोई और ऐसी जात होने का इम्कान ही नहीं है। जब वहदत होगी मालूम हुआ जुज कोई नहीं। अगर जुज है तो वहदत है या मुरक्कब हो गई वो चीज, मुरक्कब हो गई तो मालूम हो उसमें तो वहदत नहीं है। तो वहदत जो है ये इसको भी नौए बसीत के तौर पर जिक्र किया जा सकता है, क्योंकि वहदत जब वहदत है तो इसके ऊपर मालूम हुआ कोई जिंस नहीं है। जब जिंस नहीं तो वो नौ हकीकी तो होगी लेकिन नौ इजाफी नहीं होगी। बात समझ में आ गई? देखिए भाई आगे सबक भाई मतन में देखिए, सुम अल अजनासु कद ततरत्तब मुतसाइदतन इलल आली कल जौहरी वयुसम्मा जिंस अल अजनासी वल अनवा मुतनाजिलतन इलल साफिली वयुसम्मा नौ अल अनवा वमा बैनहुमा मुतवस्सितातुन। भाई यहां से जिंस की तकसीम कर रहे हैं भाई कि जिंस के कई दर्जे हैं। नीचे से ऊपर की तरफ चलें तो एक जिंस के बाद दूसरी जिंस आती है, फिर तीसरी और फिर चौथी जिंस आती है। जैसे देखो इंसान, इंसान के ऊपर जिंस क्या है, हैवान, और हैवान के ऊपर जिंस क्या, जिसमें नामी, और जिसमें नामी के ऊपर जिंस जिसमें मुतलक है, और जिसमें मुतलक के ऊपर जिंस क्या है, जौहर है। क्या है? जौहर है भाई, जौहर है। तो जिंसें जो हैं इनमें तरतीब है। इंसान के लिए ये हैवान जो है जिनसे करीब है और बाकी जिंसें बईद हैं भाई, बईद हैं। तो जिंसों के अंदर तरतीब है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हुए। ये जरा अपने सामने जरा लिख लें ताकि बात जल्दी समझ में आ जाए आपको भाई। अच्छा भाई लिखिए जरा कॉपी पर, ये लिख लीजिए भाई जिंसों की तरतीब। ऊपर लिखिए भाई जौहर, भाई जौहर अलग एक सतर में लिखना है आपने, जौहर भाई जौहर। जौहर के नीचे क्या जिंस है, जिसमें मुतलक भाई, इसके नीचे लिखें जिसमें मुतलक, जिसमें मुतलक के नीचे लिखें जिसमें नामी, जिसमें नामी, जिसमें नामी के नीचे लिखें हैवान भाई, और हैवान के नीचे लिखें इंसान। देखो अनवाह का भी जिक्र आएगा इसलिए मैंने इंसान जो नौ है जिंस नहीं वो भी मैंने लिखवा दी। भाई देखो ये जो जिंसें हैं और ये जो अनवाह हैं यानी नौए इजाफी मुराद है। नौए इजाफी किसको कहते थे,
हर ऐसी नौए हकीकी जिसके ऊपर जिन्स हो, या हर ऐसी जिन्स जिसके ऊपर जिन्स हो भाई। तो ये जिन्स और अनवा के दर्जे बयान करने लगे हैं। याद रखिए जिन्स जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ इसमें तरक्की होती है और उमूम बढ़ता जाता है, और नौ के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ वो उतरती है और उसमें खुसूस बढ़ता है। जिन्स के अंदर कमाल है कि उसमें जितना ज्यादा उमूम हो ताकि ज्यादा से ज्यादा चीजें उसके अंदर आ जाएं, और नौ के अंदर जो कमाल है कि ज्यादा से ज्यादा उसमें खुसूस हो ताकि जितने भी मुशारिकात हैं वो सब निकल जाएं, ताकि अफराद कम से कम हो जाएं भाई। तो जिन्स के भी कई दर्जे और नौ के भी कई दर्जे, जैसे मैंने तरतीब से आपको लिखवाया भाई। सबसे ऊपर क्या है? जौहर है, उसके नीचे जिसमें मुतलक है, फिर जिसमें नामी है, फिर हैवान है, और फिर इंसान। सबसे पहले जिन्सों में तरतीब देख लें भाई। इनमें से सबसे नीचे वाली जिन्स कौन सी है? इंसान तो नौ है, जिन्स की बात कर रहा हूं, जिन्स की हैवान, यह हैवान सबसे नीचे वाली जिन्स है। लिहाजा इसके साथ लिख लें जिन्से साफिल, जिन्से साफिल। ये सब का जिक्र अभी आगे वो शरा में वो जिक्र करेंगे भाई। तो ये क्या है? जिन्से साफिल। तो ये हैवान जिनसे साफिल है, साफिल का माना है नीचे वाली भाई, नीचे वाली, ये सबसे नीचे वाली जींस है। इसके ऊपर जिसमें नामी है, देखो हैवान के अंदर सिर्फ हैवानात आए भाई, लेकिन जब ऊपर गए जिसमें नामी में तो वहां पर हैवानात के साथ साथ शजर भी आ गए, शजर भी। देखो उमूम बढ़ गया, अफराद बढ़ गए। फिर इससे ऊपर वाली जिन्स जिसमें मुतलक में गए तो उसमें जिसमें नामी के साथ जिसमें गैर नामी भी आ गए, यानी हजर वगैरह भी दाखिल हो गए, तो उमूम और बढ़ गया। इससे ऊपर जौहर है भाई, जौहर के अंदर ये जिस्म भी दाखिल है, इसी तरह अकल भी, अकल भी, नफ्स भी, और नफ्स हयूला वगैरह ये चीजें। तो देखो जौहर में उमूम और बढ़ गया भाई। तो इनमें सबसे कम उमूम किसके अंदर है? जिन्सों में, हैवान में, हैवान, हैवान से ऊपर जिसमें नामी में आए तो उसमें उमूम बढ़ गया, फिर जिस्म में आए जिसमें मुतलक में तो उमूम और बढ़ गया, और जौहर में आए तो उसमें सबसे ज्यादा उमूम है। तफसील समझ में आ रही है? तो हैवान क्या है? जिनसे साफिल, सबसे नीचे वाली जिन्स है, और जो सबसे ऊपर वाली जिन्स हो उसको जिनसे आली कहते हैं। तो जौहर के साथ जिनसे हाली लिख लें भाई, छोटा सा, जिनसे हाली। तो जौहर क्या है? जिनसे हाली, और हैवान क्या है? जिनसे साफिल, जिनसे साफिल सबसे नीचे वाली जिन्स, जिनसे हाली सबसे ऊपर वाली जिन्स। और याद रखें ये जो जिनसे हाली है इसको जिनसुल अजनास भी कहते हैं। इसके साथ ये भी लिख लें छोटा सा, जिनसुल अजनास, जिन्सुल अजनास, जिनसे आली के साथ लिख लें जिन्सुल अजनास। ये जो जौहर है, ये जो जौहर है, ये जिनसे आली है, और इसी का दूसरा नाम क्या? जिन्सुल अजनास, इसको जिन्सुल अजनास कहते हैं। मैंने आपको बताया कि जिन्स के अंदर कमाल यह है कि उसमें उमूम ज्यादा होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अफराद उसके अंदर आ जाए। तो हैवान में सबसे कम उमूम, जिसमें नामी में उससे ज्यादा उमूम, और जिसमें मुतलक में उससे भी ज्यादा उमूम, और जौहर में सबसे ज्यादा उमूम है। तो इसको जिन्सुल अजनास कहते हैं, यानी तमाम जिन्सों की जिन्स। जिन्सुल अजनास का क्या माना? तमाम जिन्सों की जिन्स, यानी ये सबसे ज्यादा उमूम है, ये सबसे ऊपर है, इसी को जिन्से आली भी कहते हैं। और ये जो दरमियान में जिसमें मुतलक और जिसमें नामी आए, ये जिन्से मुतवस्सित हैं। ये क्या है? जिन्से मुतवस्सित हैं, जिन्से मुतवस्सित, ये जिसमें मुतलक भी, जिनसे जिनसे मुतवस्सित, और ये जिसमें नामी भी जिनसे मुतवस्सित है। तो देखो जिन्सों में तरतीब है नीचे से ऊपर की तरफ तरक्की करते हुए, नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। सबसे नीचे क्या?
हैवान, उससे ऊपर जिसमें नामी, उससे ऊपर जिसमें मुतलक, और उससे ऊपर जौहर है। तो देखो नीचे से ऊपर की तरफ तरक्की है, क्योंकि जिन्स के अंदर कमाल क्या है, उसमें उमूम जितना ज्यादा हो, और उमूम ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए है या नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए उमूम ज्यादा है, तो सबसे नीचे वाली में सबसे कम उमूम उसको जिनसे साफिल कहते हैं, और सबसे ऊपर वाली में सबसे ज्यादा उमूम उसको जिनसे आली कहते हैं, और उसका नाम क्या है, जिनसुल अजनास, तमाम जिन्सों की ये जिन्स है भाई, और दरमियान वाली जो है वो जिनसे मुतवसित है। फिर इनकी तारीफ क्या हुई, जिनसे आली किसे कहेंगे, जिनसे आली वो जिन्स, आसान लफ्जों में जिसकी तारीफ जो है, जिनसे आली वो जिन्स है कि जिसके नीचे तो जिन्स हो ऊपर कोई जिन्स ना हो, जिनसे आली वो जिन्स है जिसके नीचे तो जिन्स हो इसके ऊपर कोई जिन्स ना हो, और वो जौहर है, जौहर के नीचे तो जिन्स है ऊपर कोई जिन्स नहीं, और जिनसे साफिल उसे कहते हैं जिसके ऊपर तो जिन्स हो नीचे कोई जिन्स ना हो, लिहाजा हैवान को देखें इसके ऊपर तो जिन्स है नीचे जिन्स नहीं, और जिनसे मुतवसित उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर भी जिन्स हो और नीचे भी जिन्स हो, देखो जिसमें नामी के ऊपर भी जिन्स है और नीचे भी जिन्स, इसी तरह जिस्म है इसके ऊपर भी जिन्स है और इसके नीचे भी जिन्स है। तारीफ समझ में आ गई, जिनसे आली किसे कहते हैं, वो जिन्स जिसके जिसके नीचे तो जिन्स हो ऊपर कोई जिन्स ना हो, जिनसे साफिल किसे कहते हैं, जिसके ऊपर कोई जिन्स हो नीचे कोई जिन्स ना हो, और जिनसे मुतवसित किसे कहते हैं, जिसके ऊपर भी कोई जिन्स हो और नीचे भी जिन्स हो। इसी तरह तरतीब है अनवा के अंदर भी भाई, किसमें, अनवा, अनवाए हकीकी नहीं, अनवाए इजाफी मुराद हैं, नौए हकीकी तो एक ही होती है भाई, जिसके अफराद की हकीकतें एक जैसी हों, जबकि बाकी अनवाए इजाफी कहलाती हैं जो ऊपर की तरफ निस्बत करते हुए नौ कहलाती हैं, जैसे इंसान नौए हकीकी भी है और नौए इजाफी भी है, क्योंकि इसके ऊपर क्या मौजूद है, जिन्स हैवान मौजूद है, हैवान ये भी नौए इजाफी है क्योंकि इसके ऊपर भी जिन्स मौजूद है, जिसमें नामी वो भी क्या है, नौए इजाफी क्योंकि उसके ऊपर भी क्या मौजूद है, जिन्स मौजूद है, और जिसमें मुतलक वो भी क्या है, नौए इजाफी क्योंकि इसके ऊपर भी जिन्स मौजूद है, लेकिन जौहर वो नौए इजाफी नहीं है, तवज्जो है, जौहर वो नौए इजाफी नहीं क्योंकि नौए इजाफी के ऊपर जिन्स का होना जरूरी और जौहर के ऊपर कोई जिन्स नहीं है, ये तो जिन्सुल अजनास है, ये तो सबसे ऊपर वाली जिन्स है। तो अनवा में भी इसी तरह तरतीब है भाई, अनवा में भी, लेकिन जिन्स के अंदर तरतीब थी नीचे से ऊपर की तरफ जाए ताकि उमूम बढ़ता जाए, क्योंकि जिन्स में कमाल क्या है, वो जितना उमूम ज्यादा होगा उतनी ही बड़ी जिन्स होगी, जबकि नौ के अंदर खुसूस कमाल है, जितनी खुसूसी खास होगी वो, यानी अफराद कम से कम होंगे, ये उसके अंदर कमाल है। तो देखो इंसान जो है ये सबसे नीचे वाली नौ है, तो इसको कहेंगे नौए साफिल, इसके साथ लिख लें भाई नौए साफिल, जी इंसान के साथ लिखें नौए साफिल, जो मैंने तरतीब से नाम लिखवाए थे सबसे नीचे इंसान था उसके साथ लिखें नौए साफिल। नौए इजाफी की बात चल रही है, नौए इजाफी किसे कहते हैं, जिसके ऊपर कोई जिन्स हो, तो इंसान के ऊपर जिन्स मौजूद है हैवान, लिहाजा ये भी नौ, हैवान पर नजर रखें, देखो इसके ऊपर भी एक जिन्स मौजूद है, तो हैवान भी क्या हुआ, नौए इजाफी है, जिसमें नामी ये भी क्या है, नौए इजाफी है क्योंकि इसके ऊपर जिसमें मुतलक जिन्स मौजूद है, जिसमें मुतलक ये भी क्या है, नौए इजाफी क्योंकि इसके ऊपर जौहर जिन्स मौजूद है, लेकिन जौहर वो नौए इजाफी नहीं क्योंकि उसके ऊपर कोई जिन्स नहीं है। तो मालूम हुआ सबसे ऊपर वाली नौ कौन सी है, हां फिर देखो नहीं लिखा हुआ ना सामने कागज पे, नजर नहीं है फिर गलती करते हो, सबसे ऊपर वाली नौ कौन सी हुई, जिसमें मुतलक, जिसमें मुतलक क्या है, सबसे ऊपर वाली नौ है, इससे ऊपर जौहर वो तो नौ नहीं क्योंकि उसके ऊपर तो कोई जिन्स नहीं, नौ इजाफी के ऊपर तो जिन्स का होना जरूरी, तवज्जो है, तो सबसे ऊपर वाली नौ कौन सी हुई, जिसमें मुतलक, तो ये हुई नौए हाली, इसके साथ लिख लें नौए हाली भाई, जिसमें मुतलक के साथ लिख लें छोटा सा नौए हाली, नौए हाली,
लिख लिया। और नौ के अंदर कमाल क्या है, उमूम या खुसूस? खुसूस के जितने अफराद कम से कम हो, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो अफराद कम होते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ आए? ऊपर से नीचे की तरफ आए। जिस्म के अंदर अफराद ज्यादा, जिसमें नामी में अफराद उससे कम, हैवान में अफराद उससे भी कम, और इंसान में अफराद उससे भी कम। तो नौ के अंदर जो तरतीब है वो ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हुए है, लिहाजा सबसे ऊपर वाली नौ कौन सी है? जिसमें मुतलक, वो क्या है? नौए आली। और सबसे नीचे वाली नौ कौन सी है? इंसान। ये क्या है? नौए साफिल। तो ये जो सबसे नीचे वाली नौ है इसको नौउल अनवा कहते हैं। क्या कहते हैं? नौउल अनवा। इसके साथ लिख लें, इंसान के साथ आपने नौए साफिल लिखा था, वहीं नौउल अनवा भी लिख लें। ये नौउल अनवा है, तमाम नौओं की नौ बई, यानी इसमें सबसे ज्यादा खुसूस है जी। तो नौए आली क्या? जिसमें मुतलक। ये कागज पर नजर रखें, नौए आली क्या? जिसमें मुतलक। और नौए साफिल क्या? ये इंसान है। और दरमियान में ये नौए मुतवसित है, जिसमें नामी भी नौए मुतवसित और हैवान भी नौए मुतवसित। नौए मुतवसित लिखने की जरूरत नहीं है, बस आली और साफिल का जब पता चल गया तो दरमियान वाले का भी पता लग गया कि वो क्या है? नौए मुतवसित है। तो इनमें ऊपर से नीचे की तरफ तरक्की है। सबसे ऊपर कौन सी नौ है? जिसमें मुतलक। जिसमें मुतलक से नीचे क्या है? जिसमें नामी, उसमें खुसूस बढ़ गया। फिर हैवान उससे नीचे है, उसमें और खुसूस आ गया, अफराद और कम हो गए। और उससे नीचे इंसान है, जिसमें सबसे ज्यादा खुसूस है। तो जिन्सुल अजनास कौन सी जिन्स को कहते हैं? जिनसे हाली को। और नौउल अनवा किस नौ को कहते हैं? इंसान, यानी नौए साफिल को। भाई बात समझ में आ गई अच्छी तरह जी। अब देखिए भाई किताब पर कहते हैं, सुम्मल अजनासु कद ततरत्तबु मुतसाइदतन। और फिर जिनसे जो हैं कद ततरत्तबु, वो कभी तरतीब पाती हैं। जिनसे कभी तरतीब पाती हैं, कद लेकर आए, कभी तरतीब पाती हैं, यानी हमेशा नहीं होगा। तरतीब वही होगी ना जहां जिन्स के ऊपर जिन्स आए। तवज्जो है, जिन्स के ऊपर दो तीन जिन्से होंगी तभी तरतीब बनेगी। अगर एक ही जिन्स हो फिर तरतीब हो सकती है? नहीं। तरतीब के लिए कम से कम कुछ अफराद तो होने चाहिए भाई। तो लिहाजा इसीलिए कहा कद ततरत्तबु, कभी कभार जिन्से तरतीब पाती हैं जब एक दूसरे के ऊपर कई जिन्से आ जाए भाई। जहां ऐसा नहीं होगा वहां तरतीब भी नहीं होगी। कहते हैं सुम्मल अजनासु कद ततरत्तबु मुतसाइदतन, फिर जिनसे जो है वो कभी तरतीब पाती हैं, मुतसाइदतन ऊपर चढ़ते हुए, इलल आली हाली तक भाई। जिनसे तरतीब पाती हैं मुतसाइदतन ऊपर चढ़ते हुए। जिनसों में कमाल क्या है? ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, यानी जितना उमूम ज्यादा हो। तो जिनसे तरतीब पाती हैं मुतसाइदतन ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, इलल आली कहां तक? जिनसे आली तक। तवज्जो है, जिनसे तरतीब पाती हैं ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, जिनसे आली तक। कल जौहरी, जैसे के जौहर है कि जिनसे आली है। वह युसम्मा जिनसल अजनासी, और इसको जिनसुल अजनास कहते हैं, यानी तमाम जिनसों की जिन्स भाई। वल अनवा मुतनाजिलतन, ये अनवा का अतफ है। कद ततरत्तबु, तवज्जो है, कद ततरत्तबु तरतीब पाती हैं। इसके अंदर हिया जमीर, और वो राजे है अजनास को। क्या चीज तरतीब पाती है? जिनसे अजनास, यानी जिनसे तरतीब पाती हैं। तो ततरत्तबु के अंदर हिया जमीर जो राजे है अजनास को, और इसी हिया जमीर पर आतफ है अनवा का भी। ऐ कद ततरत्तबुल अनवा मुतनाजिलतन, और कभी कभी अनवा तरतीब पाती हैं मुतनाजिलतन नीचे की तरफ उतरते हुए, इला साफिली कहां तक? नौए साफिल तक। क्योंकि अनवा में
कमाल उमूम है या खुसूस? खुसूस है कि अफराद कम होते जाएं और वो नीचे उतरते हुए है, इसीलिए कहा वल अनवा मुतनाजिलतन, और कभी अनवा तरतीब पाती हैं मुतनाजिलतन नीचे उतरते हुए, इलस साफिल साफिल तक, यानी नौए साफिल तक, वयुसम्मा नौअल अनवाई, और इस नौए साफिल को क्या कहते हैं? नौअल अनवा, यानी तमाम अनवा की यह नौ है, यानी इसमें सबसे ज्यादा खुसूस है। वमा बैनहुमा मुतवस्सितातुन, और वो जो इन दोनों के दरमियान हैं यानी आली और साफिल के दरमियान, वो मुतवस्सितात हैं। वो क्या हैं? मुतवस्सितात हैं, चाहे वो जिन्स हो तो जिन से मुतवस्सित, और अगर वो नौ हो तो वो नौए मुतवस्सित है। तो जिन से आली किसे कहते हैं? जिन से आली, खुद गौर कर लें, तारीफ खुद बना लें, जिसके ऊपर कोई जिन्स ना हो और नीचे जिन्स हो। और जिन्स से साफिल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई जिन्स हो और नीचे कोई जिन्स ना हो। और जिन्स से मुतवस्सित किसे कहते हैं? जिसके ऊपर भी कोई जिन्स हो और नीचे भी कोई जिन्स हो। यही तर्तीब अनवा में भी है। नौए आली किसे कहेंगे? जिसके ऊपर तो कोई नौ ना हो लेकिन नीचे नौ हो। और नौए साफिल किसे कहेंगे? हाँ, क्या बात है, कागज पे नजर नहीं है या भूल गए हो? नौए आली किसको कहते हैं? जिसके ऊपर तो कोई नौ ना हो लेकिन नीचे नौ हो। और नौए साफिल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर तो कोई नौ हो, साफिल का माना नीचे वाली है, जब सबसे नीचे है तो मालूम हो इसके नीचे कोई और नहीं, तो नौए साफिल वो है कि जिसके ऊपर तो कोई नौ हो लेकिन नीचे कोई नौ ना हो। और नौए मुतवस्सित किसे कहेंगे? जिसके ऊपर भी नौ और जिसके नीचे भी नौ हो। तफसील समझ में आ गई? तो ये माना है वमा बैनहुमा मुतवस्सितातुन, और इन दोनों के बीच जो है वो मुतवस्सितात हैं, यानी इन अनवा और अजना से मुतवस्सितात हैं। बात समझ में आ गई, अब आइए शरा में। भाई कहते हैं कौलुहु मुतसाइदतन, मुसन्निफ का कौल मुतसाइदतन, इसका माना मैंने क्या किया था? ऊपर चढ़ते हुए वही बयान कर रहे हैं। बि अन यकून तरक्की मिनल खासी इलल आमी, मिनल खास इलल आमी, खास के स्वाद ये भी मुशद्दद है, आम का मीम भी मुशद्दद है। बि अन यकून तरक्की मिनल खास इलल आमी, बा इस सूरत के तरक्की होती है खास से आम की तरफ। तरक्की होती है जिन्स में खुसूस कमाल है या उमूम कमाल है? उमूम कमाल है, और नौ में खुसूस कमाल है। तो जिन्स के अंदर तरक्की कैसे होगी कि खास से किसकी तरफ जाएं? आम, फिर उससे और ज्यादा आम की तरफ, फिर उससे और ज्यादा आम की तरफ, और ये ऊपर चढ़ते हुए इस तरह है। भाई बिअन यकून तरक्की मिनल खास इलल आमी, बई तौर के तरक्की होगी खास से आम की तरफ। वज़ालिका लि अन्न जिन्सल जिन्सी अअम्मु मिनल जिन्सी, तर्जमा सुनो, लि अन्न जिन्सल जिन्सी अअम्मु मिनल जिन्सी, क्योंकि किसी जिन्स की जो जिन्स होती है वो उस जिन्स से ज्यादा आम होती है। तवज्जो है, तर्जमा, लि अन्न जिन्सल जिन्सी अअम्मु मिनल जिन्सी, इसलिए क्योंकि किसी जिन्स की जो जिन्स होती है वो उस जिन्स से ज्यादा आम होती है। जरा उस कागज पर नक्शे पर नजर रखें, फिर आपको बात समझ में आएगी। देखो मसलन हैवान भी एक जिन्स, हैवान भी एक जिन्स, नक्शे पर नजर है, देखो हैवान भी एक जिन्स और इसके ऊपर जिसमें नामी भी एक जिन्स। तो हैवान की जिन्स क्या है? जिसमें ना, तो हैवान तो खुद भी जिन्स, लेकिन इस जिन्स की जिन्स क्या है? जिसमें नामी, और जिसमें नामी में उमूम ज्यादा है या हैवान में उमूम ज्यादा? जिसमें नामी में। तो देखो हैवान ये एक जिन्स है, इस जिन्स की जो जिन्स है जिसमें नामी उसमें ज्यादा उमूम है इस जिन्स यानी हैवान के मुकाबले में। इबारत समझ में आ गई? हैवान जिन्स है, इस जिन्स की जो जिन्स है यानी जिसमें नामी उसमें ज्यादा उमूम है किसके मुकाबले में? इस जिन्स यानी हैवान के मुकाबले में। यह माना है कि लिअन्न जिन्सल जिन्सी अअम्मु मिनल जिन्सी, इसलिए क्योंकि किसी जिन्स की जो जिन्स होती है यानी उसके ऊपर जो जिन्स होती है अअम्मु मिनल जिन्सी, वो उस जिन्स से ज्यादा आम होती है।
वहा कजा इला जिनसिन ला जिनस लहू फौकहू, और इसी तरह इला जिनसिन ऐसी जिन्स तक यानी तरक्की होती है, पीछे क्या आया था खास से आम की तरफ तरक्की होती है, हा कजा इसी तरह इला जिनसिन ऐसी जिन्स तक ला जिनस लहू फौकहू कि उसके लिए उसके ऊपर कोई जिन्स नहीं, यानी तरक्की होते होते हम मसलन कहां पहुंच गए जौहर पर, अब जौहर ऐसी जिन्स है कि इसके ऊपर कोई और जिन्स नहीं है, यह माना है वहा कजा इला जिनसिन, और इसी तरह तरक्की होती है ऐसी जिन्स तक ला जिन्स लहू फौकहू कि उसके ऊपर उसकी कोई जिन्स नहीं है, वहुवल आली और वो आली है यानी जिनसे आली है, वह जिनसुल अजनासी और वो जिनसुल अजनास है यानी तमाम जिन्सों की जिन्स है, कल जौहरी जैसे के जौहर है। कौलुहू मुतनाजिलतन, मुसन्निफ का कौल मुतनाजिलतन बिअयकून तनज़्ज़ुलु मिनल आमी इलल खासी, बाई तौर के उतरना हो आम से खास की तरफ। भाई नौ में कमाल क्या है, उमूम कमाल है या खुसूस, खुसूस का माल है। ये जो मैंने आपको तरतीब लिखवाई इसमें खुसूस कैसे है, ऊपर की तरफ जाए तो खुसूस बढ़ता है या नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आए तो इसमें खुसूस बढ़ता है, वही बयान कर रहे हैं कि भी अं यकून तनज़्ज़ुल मिनल आमी इलल खासी, बाई सूरत के उतरना हो आम से खास की तरफ, जो जो हम ऊपर से नीचे आएंगे आम से खास की तरफ आते जा रहे हैं, हर नीचे वाला ऊपर वाले के मुकाबले में खास है भाई। वदालिका, और ये इस वजह से लिअन्न नौअन नौअ यकूनु अखस्स मिनन नौअ, क्योंकि एक नौ की जो नौ होती है वो उस नौ से ज्यादा खास होती है, एक नौ की जो नौ होती है वो उस नौ से ज्यादा खास होती है। देखो जरा उस नक्शे पे नजर रखो भाई, नौ की नौ, मसलन देखो भाई इंसान ये नौ है और इसके ऊपर हैवान ये भी नौ है तो जिन्स लेकिन ये भी नौ इजाफी है, अब हम सिर्फ नौ की बात कर रहे हैं, तो इंसान भी नौ इजाफी, इसके ऊपर हैवान भी नौ इजाफी, तो अच्छा हैवान एक नौ इजाफी है, इस नौ की आगे नौ क्या है इंसान, नीचे की तरफ ऊपर से नीचे को आ रहे हैं तो हैवान ये नौ इजाफी है, इस नौ की नौ क्या है नीचे की तरफ इंसान है, और किस में खुसूस ज्यादा इंसान में, तो देखो इंसान ये हैवान की नौ है, हैवान की नौ, तो हैवान खुद भी नौ इजाफी और इसकी नौ क्या इंसान, तो ये देखो नौ की जो नौ है यानी इंसान, यूं कहो हैवान, हैवान क्या है नौ और नौ इजाफी है और इसके नीचे इंसान भी क्या है नौ, तो ये जो हैवान है इसकी जो नौ है नीचे की तरफ यानी इंसान, इंसान किसकी नौ है हैवान की, और हैवान किसकी नौ है जिसमें नामी की, और जिसमें नामी किसकी नौ है जिसमें मुतलक की, और जिसमें मुतलक किसकी नौ है जौहर की, तो हैवान की नौ क्या इंसान, हैवान की नौ क्या जो उसके नीचे है वो उसकी नौ है, तो हैवान की नौ है इंसान, तो एक है हैवान और एक है इंसान, तो खुसूस किसमें ज्यादा इंसान में, तो देखा इंसान नौ है किसकी हैवान की, तो नौ की जो नौ है यानी इंसान, यानी यूं कहो हैवान की जो नौ है यानी इंसान, उस इंसान में वो ज्यादा खास है किसके मुकाबले में, उस नौ के मुकाबले में, तवज्जो है नौ के नीचे जो नौ होती है वो उस ऊपर वाली नौ से ज्यादा खास होती है, ये माना है लिअन्ना नौअन नौअ यकूनु अखस्स मिनन नौअ, इसलिए क्योंकि किसी नौ की जो नौ होती है वो उस नौ से ज्यादा खास होती है, क्योंकि नौ की नौ उसके नीचे होती है, किसी भी नौ की नौ नीचे होती। बात समझ में आ गई, वहा कदा इला नौइन, और इसी तरह ये नीचे की तरफ उतरते हैं आम से खास की तरफ, इसी तरह वहा कजा और इसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं यानी आम से खास की तरफ, इला नौइन ऐसी नौ तक, ला नौ लहू तहतहू कि उसके नीचे उसकी कोई नौ नहीं होती,
यहां तक नीचे उतरते रहते हैं कि यहां तक कहां पहुंच गए, मसलन इंसान तक, एक ऐसी नौ है कि इसके नीचे कोई और इसकी नौ नहीं है। वह हुआ साफिलु, और ये नौ साफिल है, नीचे वाली नौ है। वह नौल अनवाई, और ये क्या है, नौल अनवा है, यानी तमाम नौओं की अनवा। कल इंसानी, जैसे कि इंसान है। बात सबको समझ में आ गई। आगे देखिए, कौलुहू वमा बैनहुमा मुतवस्सितातुन, और वो जो इन दोनों के दरमियान है वो मुतवस्सितात हैं। ये मातिन का कौल है। अब इसकी शरह करेंगे। वमा बैनहुमा, उन दोनों के जो बीच हैं वो मुतवस्सितात हैं। किन दोनों के बीच? ये हुमा जमीर का मर्जा क्या, आपको बताएंगे। इसमें दो इहतमाल हैं, तवज्जो है, हुमा जमीर के अंदर दो इहतमाल हैं। या तो हुमा जमीर आली और साफिल को राजे कर लो, किसको, आली और साफिल, उनके दरमियान मुतवस्सितात हैं। कतए नजर जिंस या नौ के, जिंस या नौ नहीं। वो भाई ऊपर जो मतन में आया था आली, वो किसके बाद जिक्र था? ऊपर जरा मतन पे नजर रखो, सुम्मल अजनासु कत तरत्तबु मुतसाइदतन इलल आली, ये आली, ये किसके बाद आ रहा है? अजनास के बाद। मालूम हुआ इससे क्या मुराद है, जिन से आली मुराद है। और ऊपर ही मतन में वल अनवा मुतनाजिलतन इलस साफिली, और अनवा तरतीब पाती हैं नीचे की तरफ उतरते हुए। इलस साफिली कहां तक? साफिल, साफिल तक। तो ये साफिल किसके बाद आया? अनवा के बाद। मालूम हुआ इससे क्या मुराद है, अनवा मुराद, इससे नौ मुराद है। इससे तो जो आली आया ऊपर उससे मुराद है जिन से आली, और साफिल जो आया नीचे उससे मुराद क्या है, नौ साफिल। लेकिन लेकिन हुमा जमीर सिर्फ आली और साफिल को लौटाएं, कतई नजर इसके कि वो जिंस की सिफत है या नौ की। सिर्फ आली को जमीर लौटाएं और सिर्फ साफिल को, और आली वो तो नौ भी हो सकती है और जिंस भी, और साफिल वो जिंस भी हो सकती है और नौ भी। तो कतई नजर कि ये आली जिंस की सिफत है या नौ की सिफत, और कतई नजर कि यह साफिल जिंस की सिफत है या नौ की सिफत। इस आली और साफिल को बैनहुमा की हुमा जमीर लौटा दें, और इन दोनों के जो बीच हैं यानी आली और साफिल के बीच, वो क्या हैं, वो मुतवस्सितात हैं। तो आली इसमें जिंस या नौ की कैद है नहीं, और साफिल में भी कोई जिंस या नौ की कैद है नहीं। मुतलक आली और मुतलक साफिल को ये जमीर लौटाएं, तो सिर्फ इन दोनों को जमीर लौटाएं। बात समझ में आ गई। देखिए भाई, कहते हैं कौलुहू वमा बैनहुमा मुतवस्सितातुन अय मा बैनल आली वस्साफिली। देखा, मा बैनल आली वस्साफिली, हुमा जमीर की जगह क्या ले आए, आली और साफिल ले आए। तो वो जो आली और साफिल के दरमियान है, भाई आली और साफिल सिर्फ उन दोनों को आपने जमीर लौटाई, लेकिन आली और साफिल वो तो जिंस भी होती है और नौ भी होती है, दोनों में है ना आली और साफिल। तवज्जो है, जमीर तो सिर्फ किसको लौटाई, आली और साफिल, लेकिन ये तो दोनों किस्में होती हैं, तो लिहाजा उसको भी साथ जिक्र करेंगे। अय मा बैनल आली व साफिली फी सिलसिला तयिल अनवाई वल अजनासी। असल में था सिलसिला तैनी, दो जो सिलसिले हैं, किसके दो सिलसिले, एक अनवा वाला और एक अजनास वाला। तो अनवा और अजना यानी दोनों, आली और साफिल दोनों में हो सकते हैं, जिंस में भी और नौ में। तो जमीर किसको लौटाई, मुतलक आली और मुतलक साफिल, लेकिन ये आली और साफिल आएंगे दोनों में ही, तो उसको जार मजरूर की सूरत में साथ जिक्र कर दिया। जमीर सिर्फ किसको लौटाई, आली और साफिल, मुतलकन कोई कैद नहीं, लेकिन चूंकि ये दोनों में आते हैं तो उसको भी जार मजरूर की सूरत में साथ जिक्र कर दिया। तो कहते हैं ऐ मा बैन अल आली व साफिल फी सिलसिला तयिल अनवाई वल अजनासी, यानी वो जो आली और साफिल के बीच में है, अनवा और अजनास के दोनों सिलसिलों में, तो सम्मा मुतवस्सितात, इनको क्या कहते हैं, मुतवस्सितात कहते हैं। बात समझ में आ रही है, इबारत पे नजर रखो, तो सम्मा मुतवस्सितात, ये मुतवस्सितात मैंने मजरूर क्यों पढ़ा, मैंने मजरूर क्यों पढ़ा, मजरूर तो दो ही हैं, एक जिस पर हर्फ जर दाखिल हो, यहां मुतवस्सितात पर कोई हर्फ जर दाखिल है नहीं, और या वो मुजाफ इलैह हो, तो क्या इससे पहले कोई मुजाफ है नहीं, इससे पहले तो फेल आ रहा है, तो फिर मैंने मजरूर क्यों पढ़ा, फिर
जी हाँ शाबाश शाबाश, ये मंसूब है मजरूर नहीं है। हां इसका नसब कसरा की शक्ल में आता है, बात समझ में आ गई। तो ये तुसम्मा का मफूल है, तुसम्मा दो मफूल चाहता है, सम्मा युसम्मी दो मफूल चाहता है। सम्मय तो रजुला जैदन, मैंने उस आदमी का नाम जैद रखा, सम्मय तो मैंने नाम रखा, अर रजुला यह है मफूल अव्वल, और जैदन यह क्या है मफूल सानी, तो यह दो मफूल चाहता है। फिर जब इसको मजहूल बनाते हैं फाइल को तो हजफ कर देते हैं, और पहला जो एक मफूल है उसको नाइबुल फाइल बना दिया, तो सुमिया रजुलो जैदन, जो मफूल सानी होता है वह उसी तरह रहता है, वह मफूल ही रहता है। बात समझ में आ गई। तो यह तो सम्मा वो जो माबैन अल आली वल साफिल है उसको कहते हैं मुतवस्सितातिन, क्या कहते हैं मुतवस्सिता, तो ये मफूल है मंसूब है भाई। तो कहते हैं तुसम्मा मुतवस्सितातिन, इनको मुतवस्सितात कहते हैं। फमा बैनल जिनसिल आली वल, भाई अभी क्या किया था, मा बैनहुमा की जमीर किसको लौटाई, सिर्फ आली और सिर्फ साफिल को, और आली और साफिल ये तो जिन्स में भी है और नौ में भी है, तो ऊपर सिर्फ फी सिलसिला तयिल अनवा वल अजनासी, तो वहां जार मजरूर की सूरत में जिक्र किया था। अब आगे हर एक को खोलकर भी बयान करेंगे कि ये मुतवस्सितात जिन्स में भी हैं और नौ में भी हैं। देखिए कहते हैं फमा बैन अल जिन्सिल आली वल जिन्सिस साफिली अजनासुन मुतवस्सितातुन, तो वो जो जिनसे आली और जिनसे साफिल के बीच हैं वो अजनासुन मुतवस्सितातुन, वो क्या है अजनासे मुतवस्सिता हैं। वमा बैन नौइल आली व नौइस साफिली अनवाउन मुतवस्सितातुन, और वो जो नौए आली और नौए साफिल के बीच में है अनवाउन मुतवस्सितातुन, वो क्या है अनवाए मुतवस्सिता हैं। कहते हादा इन रजा जमीरु इला मुजर्रदिल आली व साफिली, ये उस वक्त है कि अगर जमीर लौटे मुजर्रद आली यानी सिर्फ आली और साफिल, सिर्फ आली और साफिल को लौटे, कतई नजर इसके कि वो जिन्स या नौ की सिफत हैं। वह इन आदा इलल जिन्सिल आली व नौ साफिलील अल मजकूरैनी सरीहन, जी दूसरी सूरत यह है कि जमीर मुतलक आली को नहीं लौट रही बल्कि ऊपर आली किसके बाद आया था जिन्स के बाद, तो उसे जिन्स से आली मुराद लें, और नीचे साफिल आया था वो किसके बाद था नौ के बाद, तो उसे नौए साफिल मुराद लें। तो मवमा बैनहुमा, अब जमीर इनको लौटाओ, वो जो उन दोनों के बीच है किन दोनों के बीच, जिन्स आली और नौए साफिल, जिन्स आली और नौए साफिल। अब देखो जरा, अब कापी पर आओ भाई, वो जो मैंने आपको नक्शा लिखवाया था, जिन्स आली क्या है जौहर है और नौए साफिल क्या है इंसान, इन दोनों के बीच जो हैं वो क्या हैं मुतवस्सिता, ये सारे मुतवस्सितात हैं, ये सब क्या हैं मुतवस्सितात हैं। हां बाज इनमें से जिनसे मुतवस्सित हैं, बाज इनमें से नौए मुतवस्सित हैं, और बाज जिनसे मुतवस्सित भी हैं और नौए मुतवस्सित भी हैं। सूरत समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इन आदा इलल जिनसिल आली व नौए साफिली, और अगर ये जमीर लौटे जिनसे आली और नौए साफिल को, अल मजकूरैन सरीहन, जो सराहतन मजकूर हैं, सराहतन यानी साफ लफ्जों में, साफ लफ्जों में मजकूर हैं, कानल माना, तो माना यह होगा कि मा बैनल जिनसिल आली व नौए साफिली मुतवस्सितातुन, कि वो जो जिनसे आली और नौए साफिल के बीच में है मुतवस्सितातुन, वो क्या है मुतवस्सितात हैं। इम्मा जिन सुन मुतवस्सितुन फकत, या तो वो सिर्फ क्या होगी, वो तो या तो वो सिर्फ जिन से मुतवस्सित होगी, का नौइल हाली जैसे नौए हाली। भाई जरा उस नक्शे पे आओ, जी नक्शे पे आओ जो मैंने बनवाया था, जमीर किसको लौटाई भाई, जी मां बैनहुमा की जमीर किसको लौटाई, जिनसे आली और नौए साफिल, जिनसे आली कौन है यहां पर जौहर है, और नौए साफिल क्या है इंसान है। तो ये जो जौहर और इंसान के बीच हैं ये दरमियान वाले सारे मुतवस्सितात हैं, ये क्या हैं। अब जरा इनमें गौर करो भाई, इनमें गौर करो, देखो जरा जिस्म पर आ जाओ, जिस्म ये जिनसे मुतवस्सित है, ये क्या है जिनसे मुतवस्सित है, लेकिन क्या ये नौए मुतवस्सित है, नहीं ये सिर्फ क्या है
नौए आली है, क्या है? नौए आली। तवज्जो है, नक्शे पर नजर है, तो जौहर और इंसान के बीच क्या क्या आए? जिस्म, जिसमें नामी और हैवान। इसमें से देखो, ये जो जिस्म है ये सिर्फ नौए आली है, यानी नौए मुतवस्सित। इन्होंने कहा, क्या कहा था? इन दोनों के बीच जो है वो क्या होंगे? मुतवस्सितात होंगे। बात सिर्फ क्या होंगे? जिन से मुतवस्सित। बास सिर्फ क्या होंगे? नौए मुतवस्सित। और बास दोनों होंगे, नौए मुतवस्सित भी होंगे और जिन से मुतवस्सित भी। तो इन दोनों, जिन से आली और नौए साफिल के बीच क्या क्या है? जिसम, जिसमें नामी और हैवान। अब जरा इन पर हम गौर करते हैं कि किस में दोनों हैं, यानी नौए मुतवस्सित भी है और जिन से मुतवस्सित, और कौन सा सिर्फ जिन से मुतवस्सित है, नौए मुतवस्सित नहीं, और कौन सा सिर्फ नौए मुतवस्सित है, जिन से मुतवस्सित नहीं। अब सबसे पहले जिस्म पर आ जाओ। जिस्म ये क्या है? नौए आली। जब ये नौए आली है, मालूम है नौए मुतवस्सित नहीं, लेकिन ये जिन से मुतवस्सित है, ये जिन से, क्योंकि जिन से आली और जिन से साफिल के बीच में है। उसके बाद आ जाए जिसमें नामी पर। ये नौए मुतवस्सित भी है और जिन से मुतवस्सित भी है। तवज्जो है, ये नौए मुतवस्सित भी है और जिन से मुतवस्सित भी है। अब आ जाए हैवान पर। हैवान ये जिन से साफिल है, तो मालूम हुआ जिन से मुतवस्सित नहीं, ये सिर्फ क्या है? हां, तो ये सिर्फ नौए मुतवस्सित है, जिन से मुतवस्सित नहीं। मालूम हुआ हैवान ये नौए मुतवस्सित है और जिन से मुतवस्सित नहीं, और जिसमें नामी ये जिन से मुतवस्सित भी है और नौए मुतवस्सित भी, नक्शे पर नजर है, और जिसम ये जिन से मुतवस्सित तो है लेकिन नौए मुतवस्सित नहीं है। अब यही बयान कर रहे हैं, कहते हैं इम्मा जिनसुन मुतवस्सितुन फकत, या तो सिर्फ वो बीच वाले, या तो वो सिर्फ क्या होंगे? जिन से मुतवस्सित होंगे। कन नौइल आली, जैसे कि नौए आली क्या है? जिसम। ये सिर्फ जिन से मुतवस्सित है, नौए मुतवस्सित नहीं है, बल्कि ये तो नौए आली है। और नौउन मुतवस्सितुन फकत, या सिर्फ नौए मुतवस्सित होगा बीच में। कल जिन से साफिली, जैसे कि जिन से साफ, जिन से साफिल क्या चीज है? हैवान। तो ये जिन से मुतवस्सित नहीं, ये तो जिन से साफिल है। हां, ये नौए मुतवस्सित है, तो ये नौउन मुतवस्सितुन फकत, ये सिर्फ क्या है? नौए मुतवस्सित है। कल जिन से साफिली, जैसे जिन से साफिल। औ जिनसुन मुतवस्सितुन व नौउन मुतवस्सितुन मान, या वो जिन से मुतवस्सित और नौए मुतवस्सित होगी इकट्ठी, यानी दोनों होगा, यानी जैसे जैसे क्या है? कौन सी चीज है जो जिन से मुतवस्सित भी है और नौए मुतवस्सित भी है? जिसमें नामी है। बात समझ में आ रही है? कल जिसमें नामी, देखो किताब में भी उन्होंने जिक्र कर दिया, जैसे कि जिसमें नामी है। सुम मालम, फिर तू जान ले, अन्नल मुसन्निफ लम यतअर्रज लिल जिनसिल मुफ्रदी व नौइल मुफ्रदी। अच्छा भाई, ये जिनसे मुफ्रद और नौए मुफ्रद का जिक्र आया। एतराज ये कर रहे हैं कि इन्होंने कहा कि जिन्स या वो आली होगी या साफिल होगी या मुतवस्सित, एक जिन्स से मुफ्रद है उसको इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, हालांकि बाकी मनातिका उसको जिक्र करते हैं। इसी तरह नौ में भी कहा, नौ या आली होगी या साफिल होगी या मुतवस्सित, नौ मुफ्रद भी एक होती है, बाकी मनातिका उसको भी जिक्र करते हैं, इन्होंने उसको भी जिक्र नहीं किया। तो कहते हैं सुम मालम, फिर तू जान ले, अन्नल मुसन्निफ लम यतअर्रज लिल जिनसिल मुफ्रदी व नौइल मुफ्रदी, के मुसन्निफ जो है लम यतअर्रज, वो पीछे नहीं पड़े, लिल जिनसिल मुफ्रदी, किसके? जिन से मुफ्रद के, उसके पीछे नहीं पड़े, यानी उसको जिक्र नहीं किया, उसको मुसन्निफ ने जिक्र नहीं किया जिन से मुफ्रद और नौए मुफ्रद को। भाई इनको क्यों नहीं जिक्र किया, बाकी तो जिक्र करते हैं। तो जवाब देंगे कि इम्मा लि अन अल कलाम फी माया तरत तबू वल मुफ्रद। अच्छा, पहले जरा इसको समझ लें कि जिन से मुफ्रद किसे कहते हैं और नौए मुफ्रद किसे। भाई देखो, बाकी मनातिका जब जिन्स की तकसीम करते हैं तो कहते हैं जिन्स चार किस्म पर है, जिनसे आली होगी या जिनसे साफिल होगी या जिनसे मुतवस्सित होगी या जिनसे मुफ्रद होगी। तवज्जो है, और तारीफ कैसे करते हैं? जिनसे आली वो है जिसके नीचे जिन्स हो, ऊपर जिन्स ना हो। जिनसे साफिल वो है जिसके ऊपर जिन्स हो, नीचे जिन्स ना हो। और जिनसे मुतवस्सित वो है जिसके ऊपर भी जिन्स हो और नीचे भी जिन्स हो। और जिनसे मुफ्रद वो है जिसके ना ऊपर कोई जिन्स हो ना नीचे कोई जिन्स हो।
इसी तरह नौ की भी वो चार किस्में बनाते हैं, या नौ आली होगी, या साफिल होगी, या मुतवस्सित, या मुफरद। नौ आली वो नौ कि उसके नीचे नौ हो, ऊपर नौ न हो। नौ साफिल जिसके ऊपर नौ हो, नीचे नौ न हो। और नौ मुतवस्सित जिसके ऊपर भी नौ हो और नीचे भी नौ। और नौ मुफरद वो है जिसके न ऊपर कोई नौ हो और ना नीचे कोई नौ हो। तो उसको इन्होंने जिक्र नहीं किया। और उसमें याद रखें उसकी मिसाल में मनातिका जो है वो अकल को जिक्र करते हैं। किसको? अकल को जिक्र करते हैं। तफसील समझ लें। मनातिका कहते हैं कि इस कायनात को 10 अकलों ने पैदा किया। किसने? 10 अकलों ने पैदा किया। अल्लाह ताला की जात कहते हैं हर एतबार से वहां वहदत है। अल्लाह की जात एक है, अल्लाह ताला की जात एक है, यानी वाजिबुल वजूद की जात एक है। ये वो भी तस्लीम करते हैं, लेकिन फिर कुछ चीजें उन्होंने अपनी तरफ से मिला दी जो उनकी अकल ने जिस तरह उनको बताया, और ये उनके कुफ्रिया अकीदे हैं। इस्लाम इन सब की नफी करता है। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला की जात हर एतबार से एक ही एक है, वहां दो होने का कोई एहतमाल ही नहीं। जब हर जिहत से अल्लाह की जात एक है तो, और कानून है अल वाहिदु ला यस्तुरु अन्हु इल्लल वाहिद, वाहिद जो होता है एक होता है उससे एक ही चीज हो सकती है, दो नहीं। जो खुद एक है उससे चीजें भी कितनी हो सकती हैं? एक ही। तो अल्लाह की जात एक है, तो अल्लाह ने ये सारी कायनात, ये सारी चीजें अल्लाह ने खुद पैदा नहीं फरमाई, अल्लाह ने सिर्फ अकल अव्वल को पैदा फरमाया। क्योंकि अल्लाह की जात एक है तो एक ही चीज को पैदा फरमाया, और वो क्या? अकल अव्वल। अकल अव्वल इसकी फिर तीन जिहतें थी भाई। अल्लाह की जात में एक ही जिहत थी, एक ही अकल को पैदा फरमाया, वो अकल अव्वल है। लेकिन अकल अव्वल में फिर तीन जिहतें थी। एक जिहत से इस अकल अव्वल ने अकल सानी को पैदा किया। किसको? और दो जिहतों से कायनात की कुछ चीजें बनाई। फिर जो अगली अकल पैदा हुई उसमें भी तीन जिहतें थी। एक जिहत से उसने अकल सालिस को पैदा किया और दो जिहतों से कायनात की कुछ चीजें बनाई। फिर उसने अकल सालिस ने अकल राबिया को पैदा किया, अकल राबिया ने खामिस को, सादिस को, इसी तरह यहां तक कि अकल तासिया ने अकल हाशिर को पैदा किया, दसवीं अकल को। तो ये जो 10 अकलें हैं भाई, 10 अकलें, और ये जौहर से मुजर्रद हैं। ये जौहर अपने वजूद में जौहर की मोहताज नहीं, और ये नजर न आने वाली हैं, और ये बे इंतहा ताकतों की मालिक हैं। ये अकलें भाई बे इंतहा ताकतों की मालिक हैं भाई, और इंतहाई पाकीजा हैं, और बे इंतहा ताकतों की मालिक हैं ये अकलें। तो ये जो 10 अकलें हैं इन्होंने कायनात के सारा बनाया। तफसील समझ में आ रही है? मुख्तसरन मैं इसमें बयान कर रहा हूं। और ये जो अकल आशिर है, दसवीं अकल, ये इस वक्त इस सारी कायनात का निजाम चला रही है, और इसको वो अकल फ़ाल कहते हैं। वो क्या कहते हैं? अकल फ़ाल, जो ये सारे फेल करने वाली है, सारे काम सर अंजाम देने वाली है। तो ये है अकल फ़ाल, अकल फ़ाल। जबकि इस्लाम इन तमाम चीजों की नफी करता है। बात वो तो कहते हैं अल्लाह से एक के अलावा और कोई चीज हो नहीं सकती। हम कहते हैं कि अल्लाह क्या है? फ़ालुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं, और अल्लाह जिस चीज का इरादा करते हैं, अल्लाह कुन फरमाते हैं तो वो चीज वजूद में आ जाती है। अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह इन चीजों के मोहताज नहीं है। तो बहरहाल ये मनातिका के कुफ्रिया अकायद, तो वो कहते हैं ये 10 अकलें हैं, इन्होंने कायनात को बनाया, और इन्हीं में से जो दसवीं अकल है वो कायनात का निजाम चला रही है। तो ये अकूल आशारा हैं, ये अकूल आशारा हैं। तो जिनसे मुफरत और नौए मुफरत की मिसाल में इन्हीं को मनातिका जिक्र करते हैं। जिनसे मुफरत, इसी अकल को क्या कह देते हैं कि जिनसे मुफरत है? तवज्जो है, इसी अकल, अकल को क्या कह देते हैं? ये जिनसे मुफरत है। ये क्या है? जिनसे मुफरद है। और ये जौहर, जौहर इसके लिए आरज है। तवज्जो है, जौहर इसके लिए क्या है? आरज है, जिन्स नहीं है बल्कि इसके लिए आरज। तो ये ऐसी जिन्स है जिसके ऊपर कोई जिन्स नहीं, और इसके नीचे, इसके नीचे 10 अफराद हैं अकल के, उकूल आशारा हैं। कितने अफराद हैं? तो अकल जिन्स है, इसके नीचे अफराद कितने? 10। और इसके लिए जो जौहर है वो इसके लिए जिन्स नहीं है बल्कि वो इसके लिए आरज है। तवज्जो है। तो ये अकल क्या हुई? ऐसी जिन्स जिसके ऊपर कोई जिन्स नहीं और नीचे भी जिन्स नहीं। नीचे जो 10 अफराद हैं वो 10 अनवा हैं। क्या हैं? 10 अनवा अकल हैं।
वो अलग अलग हर नौ दूसरी से अलग है, लेकिन हर नौ का एक एक ही फर्द पाया जाता है। हर नौ का एक ही फर्द, एक ही अकल है हर नौ की। दस अकलें हैं ना, दस अफराद हैं, तो हर नौ का एक एक फर्द है और अफराद मुमकिन ही नहीं। तो अकल को क्या करार दिया? जिन्स। और जौहर जो ऊपर था उसको क्या बना दिया? अरज बना दिया। और नीचे जो अफराद थे उनको क्या बना दिया? अनवा। क्योंकि जिन्स के तहत क्या होती हैं? अनवा, जिनके अफराद की हकीकतें अलग अलग हों। तवज्जो है। तो ये अकल को क्या बना दिया? जिन्स। जौहर को क्या बना दिया इसके लिए? अरज। और नीचे जो अफराद थे उनको क्या बना दिया? अनवा बना दिया। तो ये देखो, ये अकल ऐसी जिन्स है जिसके न ऊपर कोई जिन्स है और न कोई नीचे जिन्स है, तो ये जिनसे मुफरद है। नौए मुफरद में भी इसी को मिसाल में पेश करते हैं। किस को? इसी अकल को। किस तरह? वो कहते हैं ये अकल जो है इसको जिन्स न बनाओ बल्कि इसको नौ बना दो। क्या बना दो? अकल को नौ। और इस नौ के तहत दस अफराद हैं। और नौ किसे कहते हैं? जिसके अफराद की हकीकतें एक हों। लिहाजा ये जो उकूल आशरा है इन सब की हकीकत भी एक है। और इनके ऊपर नौ क्या है? अकल। इनके ऊपर नौ अकल। और जौहर को इनके लिए जिन्स बना दो। तवज्जो है। पहले जौहर को क्या बनाया था? अरज। जिन्स नहीं बनाया था। तो पहले जौहर को अरज बनाया था और अकल को जिन्स बनाया था और उसके नीचे जो अफराद थे उनको अनवा बनाया था। अब क्या करो? अकल को क्या बनाओ? नौ। नौ की बात चल रही है। और जौहर को इसके लिए क्या बना दो? जिन्स बना दो। और नीचे जो अफराद हैं उनकी हकीकत एक ही रखो, क्योंकि नौ के अफराद की हकीकत एक। अगर अकल को आप जिन्स बनाते हो तो अफराद की हकीकतें अलग, और अगर अकल को आप नौ बनाते हो तो अफराद की हकीकत एक है। तो लिहाजा ये नौ है, इसके नीचे दस अफराद हैं और ऊपर इसके जेंस है। तो ये ऐसी नौ है जिसके ऊपर कोई नौ नहीं और नीचे भी कोई नौ नहीं है। ऊपर जिन्स तो है लेकिन नौ नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये वो जिक्र करते हैं कि ये नौ मुफरत हैं और ये जिन्सें मुफरत हैं। तफसील अच्छी तरह समझ में आ गई। फिर सुन लो मुख्तसरन, एक सूरत में अकल को क्या बनाओ? जेंस बनाओ। और नीचे जो दस अकूल हैं उनको उसके अनवा बनाओ, लेकिन हर नौ का एक एक ही फर्द है, यानी हर एक की हकीकत दूसरे से अलग। और जौहर को क्या बना दो? अरज बना दो। तो ये ऐसी जिन्स है जिसके ना ऊपर कोई जिन्स है और ना नीचे कोई जिन्स है, तो ये जिन्स मुफरद है। और दूसरी सूरत क्या बनाओ? इस अकल को नौ, और जो नीचे दस उकूल है उनको इसके अफराद बनाओ, और जौहर को इसके लिए जिन्स बनाओ। तो ये ऐसी नौ है जिसके ऊपर और नीचे कोई नौ नहीं, नीचे अफराद हैं और ऊपर जिन्स है। बात समझ में आ गई। तो ये नौ मुफरत की मिसाल हो गई। तो कहते हैं देखिए किताब पर, सुम मालम, फिर तू जान ले कि अन्नल मुसन्निफ रहमतुल्लाह यतअर्रज लिल जिन्सिल मुफरदि वन नौइल मुफरदि, के मुसन्निफ वो पीछे नहीं पड़े जिनसे मुफरद नौए मुफरद के, यानी उनको जिक्र नहीं किया। इम्माली अन्नल कलाम फीमा यतरत्तब, इसलिए क्योंकि कलाम उन चीजों में है जो तरतीब पा जाए, जिनमें तरतीब हो सके। और एक ही चीज में तरतीब हो सकती है? नहीं। तरतीब के लिए तो दो या चार चीजें होंगी तो तरतीब होगी। जब जिनसे मुफरद है तो न ऊपर जिन्स न नीचे जिन्स, तो यहां तरतीब कैसे होगी? जब नौए मुफरद है न ऊपर नौ न नीचे नौ, फिर यहां तरतीब नहीं, तो यहां तरतीब नहीं हो सकती, इसलिए उनको जिक्र नहीं किया। कहते हैं इम्मा ली अन्नल कलाम फीमा या तरतबु, या तो इस वजह से क्योंकि कलाम उन अनवा और अजनास में है जो तरतीब, जिनमें तरतीब हो सके। वल मुफरद लैस दाखिलन फी सिलसिलति तरतीबी, और मुफरद जो है वो तो तरतीब के सिलसिले में दाखिल नहीं है, दाखिल नहीं हो सकता। वह इम माल आदमी तयक्कुनी वजूदी ही, यह इस वजह से कि इनका वजूद यकीनी नहीं है, क्योंकि नौए मुफरत और जिनसे मुफरत का वजूद यकीनी नहीं है। एक ही चीज को नौए मुफरत कभी करार देते हैं और कभी उसी को जिनसे मुफरत करार देकर मिसाल बनाते हैं। मालूम हुआ इनका वजूद यकीनी नहीं है, इसलिए मुसन्निफ ने जिक्र नहीं किया। तो दो जवाब हो गए। किस लिए नहीं जिक्र किया मुसन्निफ ने? या तो इसलिए क्योंकि वो एक हैं और तरतीब वहां नहीं हो सकती, उनके ऊपर नीचे कोई जिन्स या नौ नहीं, या इस वजह से क्योंकि इनका वजूद यकीनी नहीं है। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।